सवाल किया जाए कि तुमने बाकी सब सेवा तो करी पर तुमने अपने उन्नति का कौन सा कर्म किया। देखो अपने निर्वाह के लिए तो जानवर भी दिन और रात मेहनत करती है, पर मेरे मन से ऐसा कौन सा काम हुआ है जहाँ से सारे जगत को थोड़ी सी ठंडक तो मिले। चलो जगत की बात साइड में रखते हैं, पर मैं अपने मन के डीपेस्ट पोटेंशियल तक क्या मैं पहुंचा हूँ। दो विशेष चीजें कौन सी हैं? एक है व्यवहार की समझ, संसार की समझ, और दूसरा है अपने अध्यात्म उन्नति के लिए अपनी आत्मा की समझ। तो मेरा शेष जीवन भी बहुत आराम से गुजरता है। मेरे मन के अंदर की नम्रता मेरे को सही तरीके से समझ में आती है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा मन, मेरा दिमाग चारों दिशा से खुल जाए, नहीं तो अहंकार से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है ज्ञान के सिवा। बहुत सॉलिड बीमारी है ये अहंकार, मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ माय ओन ट्रू सेल्फ, जिसको अपने सत्य का ही नहीं मालूम है, जो झूठ को अपना लगाए हुए पूरा जीवन निर्वाह करता है, उसका जीवन कैसे स्वर्ग बन सकता है। बहुत सुख सुविधा भी भगवान दे, फिर भी जड़ प्रकृति मुझ मन को आनंद का अनुभव नहीं करा सकती। खाली मन की ऊर्जा को बढ़ाओ सत के रास्ते पे, इस आनंद के अनुभव के रास्ते पे। हमको दो रास्ते बताए, एक वो रास्ता है जिस पर चलकर हम सुप्रीम तक पहुंच जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। सुप्रीम मतलब निराकार, निराकार वो है जिसका कोई आकार नहीं। आप और मैं भी एक उस निराकार को ही प्राप्त कर सकते हैं, एक वो वाला रास्ता है। और दूसरा रास्ता है सत्य कर्म का, पर सत्य कर्म करते करते भी मेरा मन का अहंकार है जो बोलता है कि मैं करता हूँ, तो उसमें हम उस स्वर्ग का दर्शन होता जरूर है, पर जो भी मेरा सत्य का भोग है वो भोगने के बाद वापस मुझे इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। जैसे एक आदमी था तो उसने बहुत धन कमाया, तो धन कमाने के बाद वो समझ गया कि इस लोक में तो मैंने सब अपना सुख होगा, पर आगे के लिए मेरे को क्या करना है। तो उसने बहुत दान पुण्य करना शुरू कर दिया, मंदिर बनाने शुरू कर दिए, गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, बहुत सत्य कर्म करना शुरू कर दिया। पर सत्य कर्म करते करते उसके अंदर में ये भान तो था ही कि ये सारे काम मैं करता हूँ, मैं इतना अच्छा बंदा हूँ। देखो उसको मजा भी बहुत आता था, पर अंदर में कर्तापना था, क्योंकि कर्तापना जो है ना वो किसी कर्म से खत्म नहीं होता। कर्तापना तो ज्ञान का विषय है, जागृति का विषय है। तभी बोला ना जो सतगुरु मुझे हर कर्म के दोष से बचाता है, वो बोलता है तू अच्छा कर्म करेगा तो वो सोने की जंजीर है, बुरा कर्म करेगा तो वो तो लोहे की जंजीर है ही, पर सत कर्म भी तुमको मुक्ति की ओर नहीं लेके जाएगी। आपने अच्छा कर्म समझ के किया कि मैंने किया, मैं करता हूँ, तो उसके फल के लिए भी तो आप ही को आना पड़ेगा। आप बोलोगे अरे अच्छी बात है ना, मेरे को उसका फल अच्छा मिलेगा, पर कौन सी चीज है जो परमानेंट है? समय आएगा जब वो फल भी खत्म हो जाएगा, इट विल इलैप्स विद टाइम। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एक बात समझना, इन द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड किसी भी चीज की गारंटी नहीं है कि हर चीज जो मेरे लाइफ में होगी वो अच्छी होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप अपने मन को जीत पाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और सोचो कि संसार में जिसका आपका संग है उसने अपने मन को जीत लिया होगा, impossible। तो उनके स्वभावों का हम क्या करें, उनकी frustrations का क्या करें, उनकी vibration energy का क्या करें? रहना तो हमको साथ है ना, इतनी अंदर में दूसरा पने का भी हमारे अंदर में बीमारी है। तो हमको समझना है कि सत्य कर्म में भी दोष है। क्यों? क्योंकि कर्म तो तुमने अच्छा किया पर कर्तापन तो नहीं गया ना। So, उस बंदे के अंदर में कर्तापना था वो ऊंचे संस्कार का, पर संस्कार भी मन का ही तो एक लेयर है ना।
उसके अंदर का कर्तापन क्या बोलता था कि मैंने इतना ये किया ये किया ये किया। अब जब समय आया उसके शरीर के जाने का तो उसको स्वर्ग मिला, स्वर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार का सुख उसने भोगा। फिर देखो त्रिदेवता, उन्होंने उनका स्वागत किया, बहुत प्यार से स्वागत किया, उनको अपना सीट दिया, अपना थ्रोन दिया और अपने सीट पे बिठाया और सारी देवी देवताओं ने एक एक कर्म का अनाउंसमेंट किया और तालियां बजाई। जब उनका सारा कर्म का चिट्ठा पिट्टा पढ़ लिया, सबने उसको एक्नॉलेज कर लिया, तब इंद्र जी उठे और बोला बस हो गया तुम्हारा ये समय स्वर्ग का, अब जाओ तुम वापस। बस इतना ही उसने बोला, मैंने तो अपना आधे से ज्यादा जन्म, इतना कमाया हुआ पैसा, इतना धन मैंने इस चीज में गवा दिया। अब मैंने सोचा था कि मेरा आगे का जो टाइम आएगा, जो आगे का जन्म होगा वो बहुत अच्छा होगा। बोला हो गया ना, तुमको और चाहिए क्या, मन को कीर्ति ही तो चाहिए। बोला बस इतना ही है, अब तुम जाओ। और उसको वापस मृत्यु लोक आना पड़ा। तो क्या बोला, दो राय है, एक है ज्ञान की राह जिसमें कर्तापन खत्म हो जाता है, हर श्वास में वो हर चीज उस परमात्मा को अर्पण करता है, ज्ञान द्वारा मन गिर वास्तविकता को प्राप्त करता है, उसको वो समझता है, अपने हर ख्याल की उसके अंदर में सुजागी है। हमको ये जगत सत्य में मिथ्या लगता है, चेंजेबल लगता है, उसके ऊपर रोने का भी दिल नहीं करता, हंसने का भी दिल नहीं करता, दुख और सुख मन का विषय, ये इतनी गहराई से हमको समझ में आ जाता है। एक अलौकिक स्टिलनेस, एक अलौकिक स्टेबिलिटी मन को अनुभव होता है। फालतू की बातों पे मेरा मन चंचल नहीं होता। अंतःकरण की सफाई और उम्र में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अंतःकरण की सफाई अगेन बहुत अपने अंदर से विवेक विचार और अनुभव और ज्ञान के मिश्रण से ही होती है। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है और वो है आपका डीप इंटरेस्ट। I need to be deeply interested in my own internal spiritual growth. मेरे को मुक्ति मतलब फ्रीडम हर सेकेंड एक चैन की सांस में ले सकूं, इसके लिए मुझे अपने ऊपर की कृपा करनी है। लाइफ एंड डेथ का जो सर्किल है उससे मुक्ति पाना मोक्ष है। और दिन प्रतिदिन हर सेकेंड अपने फालतू ख्याल, अपने बंधन के ख्याल से मुक्ति पाना ही मुक्ति है। अंदर में अनासक्त रहना मतलब डिसइंटरेस्टेड इन द अनरियल। अज्ञान का भंडार है ये मन, तो अज्ञान से छूटने के लिए ज्ञान से हमको मन लगाना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट से ज्ञान इज नॉट माय कप ऑफ टी, इट इज ओनली माय कप ऑफ टी, इट इज द ओनली कप ऑफ टी दैट इज रिक्वायर्ड बाय माय सिस्टम। दो रास्ते हैं, एक अंधेरे का और एक उजाले का, और ये दो रास्ते आज से है, बहुत टाइम से है, सनातन से है, दे हैव ऑलवेज बीन देयर। एक वो रोशनी का रास्ता है जिस पर पहुंचकर पूर्णता को प्राप्त करके वापस हम इस दलदल में नहीं आते हैं। देखो संतो, वासना मतलब जहां मेरा मन वास करता है, लख नहीं करोड़ नहीं अरब नहीं, उस अरब से भी ज्यादा वो वास करता है। हर सेकंड मेरा मन पता नहीं किधर है, कभी पास्ट में है, कभी फ्यूचर में है, कभी अपने फिक्र में है, कभी अपने कर्मों में है। जो बात बीत गई सो बीत गई, हमने बचपन से सुना है, लेकिन मेरा मन जानता ही नहीं है कि मैं कैसे चीजों को फ्लश करूं। वो अपने आप को खाली करने का रास्ता उसको खुद मालूम ही नहीं है, इतना वो चीजों से अपने को अटैच कर लेता है, अनुभवों से अपने को अटैच कर लेता है, अपने को इतना छोटा बनाकर वो रखता है, और उसकी उसको इतनी आदत हो चुकी है कि वो फिर वहां से जो दुख पाता है उस दुख का कारण वो पूरी दुनिया को समझता है। सो द पाथ इज रॉन्ग फ्रॉम डे वन, शुरुआत ही मेरी गलत है तो वो रास्ता कैसा होगा। और जहां हमको पहुंचना है उसके लिए जो हमको टाइम की जरूरत है, वो टाइम हमको पता नहीं कितना निकल जाता है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जिसको वापस आना कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, जिसको वापस वापस जन्म लेना है, कौन चाहता है वापस आने के लिए, जिसके मन में अभी भी वासना है, अंदर में उसको एक होप है
और मेरे को अच्छा मिलेगा, और मेरे को अच्छी भोग भोगने को मिलेंगे, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। आत्मा इज द सोर्स, वो कण कण में है, जगत का जो चेंजेबिलिटी है उसकी भी सत्ता उस आत्मा से ही है। अगर मैं मनमुखी हूँ तो इच्छा चुंबक की तरह मेरे को पकड़ेगी कि उसे निकलना मुझे बहुत मुश्किल लगेगा। जिसने अपना सत, अपनी रोशनी, अपना नोर बना और दृष्टा समझ लिया, अपना एक्चुअल एबॉर्ड समझ लिया, सत समझ लिया, उसको कौन सा मौत है और उसको फिर कौन सा जन्म है। जब मेरी अंदर में ऐसी समझ है, आई एम इनटू मोक्ष राइट नाउ, मैं मुक्त हूँ। बंधन भी मन का वहम है, जो अपने को बंधन में जानता है वो मुक्ति के लिए पुशारत करेगा ना, लेकिन जिसके अंदर में मुक्ति भी मिथ्या, क्योंकि बंधन कभी था ही नहीं, उसको कौन सा जन्म है और कौन सा मरण है। तो एक वाव वाली फीलिंग आती है, उस सत्ता को भी बनाया किसने, कमाल की फीलिंग आती है। बस जो है सो है, इस जो है सो है, उसी में हमको टिक जाना है। सारे कर्म वही पे खत्म हो जाती है, कर्ता बना वही खत्म हो जाता है। कोई भी पिछले किए हुए कर्म का फल मेरे को अब तंग नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म के फल को सहने के लिए आपका होना जरूरी है ना। पर अगर अंदर में वो आए कि चिपक से आप मुक्त हो गए, तो वो फल किसको ढूंढते हुए आएगा, वो ढूंढता रह जाएगा पर आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तो फिर आपने अपने लिए स्वयं स्वर्ग को क्रिएट किया। यू आर इन एन हेवनली अवार्ड। स्वर्ग भी आप ही के हाथ में है, नर्क भी आप ही के हाथ में है। एक गलत ख्याल मुझे नर्क का दर्शन कराता है, और एक मीठा मीठा ख्याल, तू मैं से मुक्ति का ख्याल, मुझे स्वर्ग का अनुभव कराता है। थोड़ा अपने इमेजिनेशन को पीछे छोड़ें। जो इन दोनों रास्तों को तत्व से जानता है वो मोहित नहीं होता। जिसने जगत को भी तत्व से जान लिया वो मोहित नहीं होता। इवन इफ इट इज अ लाई, द लाई आल्सो हैज अ लॉ। जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हो, सकते भले वो गेम है, मतलब चेंजेबल है, मतलब झूठ है, कोई स्थित नहीं है, नाटक, नाटकने वाला ये खेल है, फिर भी उसमें भी लॉज होते हैं ना। ऐसे ही ये सृष्टि जो दिखाई देती है झूठ है, चेंजेबल बाय सेल्फ, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हर अस्तित्व हमारे अंदर है, हरा रस हमारे अंदर से ही आता है। अगर आपने और मैंने वो लॉ समझ लिया तो दो चीजें आ जाती हैं हमको। एक उसका मिथ्यापना हमको समझ में आता है, एंड दैट टेक्स अस टू अ कंप्लीट लेवल, प्रोवाइडेड यू आर सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय ज्ञान। हर चीज की जो मैं बात करती हूँ वो उसी के लिए सिद्ध होगी जो सतगुरु के शरण में बैठा है। अपनी कृपा मतलब श्रद्धा में अपने मन को डुबो देना, श्रद्धा वाला ही ज्ञान को कैच करता है। और मिथ्यापने से क्या हो जाएगा, खट्टास आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं वैराग। वैराग बहुत ही उत्साहित वाली अवस्था है। ना ही मेरे को किसी से वैर हुए, ना ही किसी से राग। Do you understand? It's a state of complete alignment, complete balance. हर बात को अपने ही स्वभाव में, अपने ही प्रॉपर्टी में बरतने दो ना। आपका क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, लेट things just be, let people just be. हर तिनके के पास अपना ही एक हुकुम, एक रोल मिला पड़ा है भगवान से। आप आग को बोलो पानी का काम करे, वो नहीं कर सकता। सब अपने हुकुम में लगे पड़े हैं, अपने हुकुम से चलते हैं। इस हुकुम को समझकर आप भी अपने हुकुम से चलो ना। हर कोई हुकुम के अंदर ही है, including the planets and the galaxies and the universe. आप और मेरी कौन सी बात है जो हर जगह आपको अपनी टांग अड़ानी है, हर जगह मैं चीजों को बदलने की कोशिश करती हूँ। ये अहंकार है, ये विश्वास का गुण नहीं है। जैसे इस प्राण को प्राण लेने का हक है, ऐसे एवरी सिंगल मॉलिक्यूल हैज गॉट इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम हिम, नॉट फ्रॉम यू एंड मी। जो आपको लगता है आपने कमाया, एंड देयरफॉर आपको लगता है कि वो मेरा है, वो भी आपका साथ छोड़ेगा।
वो रहेगा जहाँ पे वो रहा पड़ा है, पर आपका शरीर और मेरा शरीर नहीं रहेगा। ये हमको सबने बोल के रखा है, लेकिन ये सुनने के बाद भी हमको अंदर में अनासक्ति का अनुभव नहीं होता। वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट रियलाइज, वी डू नॉट, ये कौन सा अंधकार है जिसके साथ मेरे को इतनी प्रीत है, आप बताओ। जिसको मैंने बोला मेरा, वो ही मेरा साथ छोड़कर चला जाता है, तो आप बताओ, मैं ना ये समझूं कि मेरा खाली एक खुदा ही है, मेरा इश्क अगर वो भी किसी से भी, तो मैं किसके लिए क्रिएट करूं? उस सत परमात्मा के लिए क्रिएट करूं जो हमेशा है, हमेशा ही रहेगा। एक रास्ता पूर्णता तक लेके जाएगा, दूसरा रास्ता अधपके माया में मेरे को वापस लेके आएगा। अज्ञानी मतलब कौन? A confused soul with no clarity, self-pity all the time. उसको थोड़ी ना क्लैरिटी होगी इन दो रास्तों की। दो रास्तों की समझ किसको होगी? ने ज्ञान का संग किया तो वो योगी भ्रमित नहीं होता। Do whatever it takes, but internal enlightenment is our only duty. उसके लिए मन के साथ लग लगे की तरह मुझे मेहनत कर डालनी है constantly. रोज मेरे को एक नई बात समझ में आई। We can do whatever it takes to help cleanse our stuck mind, sick mind, जो मन बीमार है, उसको हम वापस स्वास्थ्य तक ले जा सकते हैं। Healthy mind is very important to understand freedom, to experience the highest. उनको अपने सत तक पहुंचने में इंटरेस्ट है, ना कि उन फलों से। He doesn't desire any good of any action. Therefore, he is okay for not having any action to do. कर्तापन के वो कोई कर्म करते ही नहीं है। दुख जैसी चीज बताई ही नहीं, तो आपको लग कैसे रहा है दुख? अरे शक और शिकायत और शंका किसको होती है? जिसके मन में अधूरापन है, झूठ को सच समझकर गलती कर बैठा है। मनुष्य कौन है जो पल पल भूल अनहार, भूल होती जाती है हमसे। कितना हम रोशनी की ओर जाते हैं, फिर अंधकार में हम खींचे चले जाते हैं। अरे मुझको ही अपने ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करनी है। ये गटर का गंध अभी अच्छा नहीं लगता, फालतू गिरी से अपने मन को हटा लो। अगर मेरे को संन्यास लेना है तो प्लीज झूठ से संन्यास लो, दोष दृष्टि से संन्यास लो। नहीं चाहिए ये बेचारापन। सच में अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, अरे आप देखो गड़बड़ होने का बीज डाला किसने? जे मेरे कर्म प्राणी मेरे साथ धोखा ना करे, मैं जागूंगा कैसे? कोई आकर मेरे को बुरा शब्द ना बोले, मेरा अहंकार कैसे पदपदाएगा? कैसे मैं ये मान अपमान की ड्वालिटी से मैं हटूंगा? कैसे? जब तक कोई मेरे को हिलाएगा नहीं, मैं झूठ की चिपक से निकलूंगा कैसे? There will be a time when you and me will feel extremely thankful for all the opposition that have come by. उस टाइम हमको बहुत पीड़ा हुई होगी, बहुत पीड़ा उसके बारे में सोच कर भी कभी कभी हो सकती है, लेकिन जितना मैं ज्ञान का संग करूंगा, जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, समझ में आएगा कि वो सारी पीड़ाएं हालतें मेरे लिए इतनी शुभ थी। आप मुझे बताओ कि जो दो रास्ते की बात मैंने करी, एक है वो कांटों पे चलने का रास्ता और एक है फूलों पे चलने का रास्ता। जो स्मार्ट बंदा है वो किस पे चलने की बात कर रहा है? किसी का दिल मेरे वजह से नहीं टूटा है। आपका गुस्सा आप अपने तक सीमित रखो, अपना जहर अपने तक सीमित रखो, अपने साथ मेहनत करो और अपने अंदर से जहां से जहर निकला है वहीं से अमृत भी निकलेगा संत। उस जहर को अपने ही अमृत से खत्म करने की क्षमता आप में और मुझ में है। मतलब है, जहर को फैलाने से रिटर्न में हमको 3 गुना ज्यादा जहर ही मिलता है। शिकायत करके आज तक कौन खुश रह सका? कमी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देकर, कम की शिकायत करके किसको ज्यादा मिला है? अरे आप अपनी सारी फोकस अपने मेहनत पे लगाओ ना, जितना आपको मिलना है उतना आपको मिलेगा ही। कोई नहीं अपने प्रारब्ध से छुटा है। विश्वास रखो आपके साथ कभी भी अच्छा ही होना है। खराब जैसी चीज कभी हुई नहीं है, वो हमारा छोटा दिमाग है जो खराब की मीनिंग को जानता है।
बड़ी बड़ी बातें भी छोटी छोटी बातों से सौर हो जाती है, पर जिसके मन में इतना बड़ा अहंकार है ना, वो अहंकार हमको इजी रास्ता लेने नहीं देता है। वी मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल, विशालता की हमको बात समझ में ही नहीं आती है। चुप रहो ना, क्यों हम बात को बढ़ाते हैं ना, मन के आनंद से प्रीत करो ना, मन की शांति से प्रीत करो ना। अंदर में बातों को दफनाना भी नहीं है संत, बात का खात्मा करना है, बात को जड़ से निकाल देना है। अरे कोई बात होती ही नहीं है, कौन सी बात को पकड़ के रखना है। हर बात से मैं ओके हूँ, हर चीज से मैं ओके हूँ। अपने मन को भारी नहीं हल्का करके चलना है, और पास्ट का पल्ला तो बहुत हमको छोड़ देना है। सोच सोच के पीड़ा बढ़ती है संतों, लेकिन विवेक विचार से पीड़ा घटती है।